और बिल भरे नहीं, कहाँ लेके जा रहा है इन वेस्ट इंडीज वालों को? और बैग बैग उठाए हुए क्यों? खैर है, किधर छोड़ने जा रहा है क्या? अभी तो वर्ल्ड कप शुरू होना बाकी है, बड़े मैच। रोहित भैया ये सुसुरी के रास्ता भूल गए, इनको रास्ता दिखाने जा रहा हूँ, वेस्ट इंडीज कौन सा रास्ता जाएगा? आपने मैच नहीं देखा, बुरी तरह हमारी टीम ने इनको पेल डाला है। बड़े आए वर्ल्ड कप खेलने, क्वालिफाई राउंड में सुसुरी वालों को बाहर कर दिया है, बुरी तरह पेला है। और सुसुरी वालों सचमुच वेस्ट इंडीज वाले हार गए। सुसुरी वालों विश्व कप 27 दिन चलना था, आप 5वें दिन ही मुंह लटका कर चल दिए। नहीं जीत पाते तो आए काए को सुसुरी वाले नाम वापस ले लेते, काए को क्वालिफाई राउंड खेला। रोहित भैया हमारा यही हाल होना था, ये है ना निकोल पूरन, सुसुरी का कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं है, खामखा कप्तानी कर रहा है। मैंने तो बहुत कोशिश की, 62 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने पानी फेंक डाला, किसी काम की गेंदबाजी नहीं की। और सुसुरी वाला वेस्ट इंडीज वालों कुछ शर्म करनी थी, 2 बार विश्व कप के चैंपियन हो यार, शर्म नहीं आती? 5वें दिन मुंह लटका के जा रहे हो, सत्यानाश कर दे यार, हमको शर्म आ रही है तुम्हारी ये हालत देखकर। अब क्या किया जाए, जाओ यार इधर से। और बाबर के बच्चे सुसुरी के चुप कर यार, क्यों जले पे नमक छिड़कड़ाए? पहले हमारे को बुरी तरह से पेल डाला, आयरलैंड वालों ने कुछ शर्म हाया नहीं की, हमारा इतना बड़ा टीम हुआ करता था, कभी कुछ नाम का ही शर्म कर लेते ना। और पूरन के बच्चे खामखा इन पर क्यों गुस्सा कर रहा है? ये तो लोग मजे लेंगे ना, जिस तरह से आयरलैंड वालों ने आज हमको पेला है, पॉल स्टार्लिंग ने छक्के पे छक्का मारा है, अब इनका भी हक बनता है मजे लेने दे, हम आज के बाद बस खेलेंगे नहीं, ये हालत हमारा। और सुसुरी के वेस्ट इंडीज वालों एक बार अपने देश पहुंच जाओ, फिर देखो वो तुम्हारी वेस्ट इंडीज वाले किस तरह से खातरदारी करते हैं। सुसुरी वालों एक पॉल स्टार्लिंग आपसे आउट नहीं हुआ, मेरे ख्याल में 40-45 साल का होगा, एक बूढ़ा आपसे आउट नहीं हुआ, वो आपको पेल गया के। और चुप कर सुसुरी के रोहित शर्मा, वो बुढ़ा कहाँ है, साला खा के सांड हो गया, ऐसा बेरहमी के साथ आज हमारे गेंदबाजों को उसने पेला है। मैं दुआ करता हूँ वो तुम्हारे ग्रुप में आ जाए, फिर जब तुम लोगों को वो पेलेगा ना, फिर मैं आपको फोन करके पूछूंगा। अबे चुप करो सुसुरी वाले, अकेला पॉल स्टार्लिंग नहीं है, मैं भी खेला और दूसरा वो टूकर भी खेला, तुम्हारे खिलाफ भी खेलेंगे इंडिया वालों और पाकिस्तान वालों, एक बार तुम्हारे ग्रुप में आ जाए फिर बताएंगे आपको मजा। अबे चुप कर बिल ब्रेनी के बच्चे, वेस्ट इंडीज को हराकर ज्यादा चौड़े हो रहे हो, ये वेस्ट इंडीज की टीम कोई टीम है? ये बिल्कुल अब खत्म हो चुकी, ये बच्चे लोग, इनको चाहिए अब खेलना ही नहीं चाहिए, ससुरी वाले खामखा खेलते हैं। अबे छोड़ो इन बातों को, आयरलैंड को देख लेंगे जब हमारे ग्रुप में आएगी वेस्ट इंडीज वालों यार। चलो कोई बात नहीं है यार, हम आपको दिलासा देते, लेकिन इतनी जल्दी किया है जाने की, रुक जाते 2-4 दिन यार, मौज मस्ती कर लो। और बाबर के बच्चे चुप कर, जिस तरह से आज हमारी हालत हुई है, 1 मिनट रुकने को दिल नहीं कह रहा है, तुम सुसुरी वाले कह रहे हो 4-5 दिन रुक जाओ, हम अभी जा रहे हैं, बस तुम मजे नहीं लो, ले ले बहुत मजे। भाइयों केवल फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।